हम लोग आईएसएस के पीबीएसएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है आईएसएस 2018 स्टैटिस्टिक्स पेपर 4 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1B। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइव जॉब्स हैव टू बी पर्सूड बाय मशीन ए एंड मशीन बी इन द ऑर्डर फर्स्ट ए देन बी। मतलब पहले मशीन ए में काम होगा, इसके बाद मशीन बी में। द पोस्टिंग टाइम ऑफ द जॉब इन ईच मशीन आर गिवेन एज बिलो। यहाँ पे हमें एक टाइमिंग दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है। एंड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ जॉब दैट विल मिनिमाइज द टोटल इलिप्स टाइम। मतलब हमें टी को मिनिमाइज करना है। एंड व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर द मशीन। और हमें मशीन का जो आइडियल टाइम है हमें वो निकालना है दोनों मशीन के लिए। तो देखिए, ये एक सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम है और हमने रिसेंटली सीक्वेंसिंग का जो थ्योरी है वो पढ़ा है। तो देखिए, सीक्वेंसिंग यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कहा गया है कि पहले मशीन ए में होगा, इसका मशीन बी में होगा। तो हम पहले शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें ऑप्टिमम सीक्वेंस निकालना है जॉब का, जो मिनिमाइज करेगा कैपिटल टी को, मतलब टोटल इलिप्स टाइम को कम करेगा। तो हम सीक्वेंस कैसे निकालेंगे? सीक्वेंस निकालने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि पहले हमें फाइंड करना पड़ता है मिनिमम पोस्टिंग टाइम। ठीक है, वो देखना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे सभी में जो मिनिमम पोस्टिंग टाइम है वो ए टू के लिए है टू। ठीक है, तो ये हो गया सबसे मिनिमम टाइम। आपको पता है कि जो ए का मतलब, अभी जैसे हमें यहाँ पे पांच नंबर बैठाना है, तो ए का प्लॉटिंग पहले से लेकर इस तरफ जाता है और बी का प्लॉटिंग इस तरफ जाता है, मतलब ए ए ए बी। तो ए में अगर होगा तो हम पहले प्लॉट करेंगे, अगर ए में अगर मिनिमम होगा तो हम पहले काम करेंगे, और अगर बी में मिनिमम होगा तो हम सबसे लास्ट में काम करेंगे। तो ऐसे होता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे जो मिनिमम पोस्टिंग टाइम है वो ए टू के लिए टू है, तो टू जो है सबसे पहले होगा, क्योंकि आपको पता है कि ए का अगर कोई काम होता है तो वो पहले होता है, तो टू। इसके बाद देखिए थ्री है, जो बी वन का वैल्यू है, तो बी में के लिए क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है, तो बी का यहाँ पे वन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद फोर है, फोर है मशीन ए, फोर के लिए फोर है, तो टू के बाद यहाँ पे फोर बैठेगा। ठीक है, इसका देखिए फोर के बाद यहाँ पे कौन सा है, फाइव है, जो है बी फाइव का वैल्यू, तो ए के बाद यहाँ पे फाइव होगा, और जो बाकी बच गया वो यहाँ पे बैठ जाएगा, जो है थ्री। ठीक है, तो देखिए हमें सीक्वेंस मिल गया है। तो हमें सीक्वेंस मिल गया है, हम और एक बार आपको बता देंगे कैसे मिला हमें। हमें पता है कि जो ए में अगर मिनिमम होता है तो प्लॉटिंग इस तरफ होता है, मतलब पहले से लेकर लास्ट की तरफ, और बी में प्लॉटिंग होता है तो पीछे से लेकर फर्स्ट की तरफ आता है। तो देखिए, सबसे जो मिनिमम है, मिनिमम पोस्टिंग टाइम है वो है टू, मतलब वो यूनिक है और वो ए के लिए है, तो टू जो है, मतलब जो मशीन टू जो है वो पहले होगा। इसके बाद जो मिनिमम पोस्टिंग टाइम है वो है वो बी वन का वैल्यू थ्री है, तो बी का सबसे लास्ट में होगा। इसके बाद फोर है, तो टू के बाद फोर बैठेगा, और यहाँ पे फाइव है, वो बी फाइव का वैल्यू है, तो फाइव एक के बाद फाइव, मतलब इस तरह से फाइव बैठेगा, और जो बच गया वो थ्री। तो देखिए, हमें सीक्वेंस मिल गया है। अभी हमें निकालने के लिए बोला है टोटल, मतलब हमें निकालना है आइडियल टाइम निकालना है। आइडियल टाइम के लिए हमें चाहिए कि हमें टेबल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम टेबल फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए, हमने टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन कर दिया है, अभी हमको बताएंगे कैसे होगा। देखिए, जॉब मशीन ए, मशीन ए में तीन तीन कॉलम है, एक है टाइम इन टाइम आउट आइडियल टाइम। मशीन बी में सेम है, टाइम इन टाइम आउट आइडियल टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पहला काम जो करेंगे वो टू करेंगे, तो जॉब यहाँ पे लिखेंगे टू। टाइम इन, अभी नया नया सिस्टम शुरू हो रहा है, तो टाइम इन का जो टाइमिंग होगा वो जीरो होगा। अभी देखिए, टू ए मशीन में कितना लग है, टू यूनिट, तो यहाँ पे टाइम आउट टू, आइडियल टाइम जीरो। ठीक है, अभी देखिए, जब तक मशीन ए का काम खत्म नहीं होगा, मशीन भी अपना काम शुरू नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे जो टाइम इन टाइम होगा वो होगा टू, क्योंकि यहाँ पे मशीन ए में काम खत्म होगा, इसका मशीन टू में जाएगा। और टाइम आउट जो टाइमिंग है वो देखिए सेवन है, तो टू प्लस सेवन नाइन, आइडियल टाइम टू, क्योंकि दो घंटा यहाँ पे बैठा हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो काम है वो है फोर, तो यहाँ पे फोर, तो देखिए टाइम इन जो होगा यहाँ पे वो फर्स्ट जो काम था उसका जो टाइम आउट का टाइम था वो होगा, तो यहाँ पे टू होगा। तो देखिए टू के बाद फोर के, फोर में है फोर, तो यहाँ पे टू प्लस फोर सिक्स, आइडियल टाइम जीरो, और टाइम इन देखिए यहाँ पे जब खत्म हुआ इसके हिसाब से बैठेगा, तो देखिए यहाँ पे नाइन में खत्म हुआ था, तो यहाँ पे नाइन से शुरू होगा, नाइन प्लस नाइन एटीन, आइडियल टाइम जीरो। इसके बाद देखिए, इसके बाद थ्री, तो देखिए थ्री इसमें सिक्स,
यहाँ पे मशीन ए के लिए टाइम चाहिए 10 यूनिट, तो 6 प्लस 10 16, आइडियल टाइम 0, और यहाँ पे देख 18 में शुरू हो रहा खत्म हुआ तो 18 से शुरू होगा, 18 प्लस 8 26, आइडियल टाइम 0, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है 5, तो देखिए 5 यहाँ पे 16 में शुरू हो रहा था, 16 में खत्म हुआ था, तो यहाँ पे 16 में शुरू होगा, 16 प्लस 11 27, आइडियल टाइम 0, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो थर्ड जो काम खत्म हुआ था वो 26 में खत्म हुआ था, पर यहाँ पे जो टाइम खत्म हो रहा है वो 27 खत्म हो रहा है। अगर मशीन एक काम खत्म नहीं होगा तो यहाँ पे टाइम शुरू नहीं होगा, तो यहाँ पे जो टाइमिंग शुरू होगा वो 27 से ही होगा। आपको उसे ध्यान रखना है कि ये जो टाइमिंग टाइम आउट का टाइमिंग है वो हमेशा नेक्स्ट मशीन ए के टाइम आउट से अगर कम हुआ तो इसके हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट का बैठेगा। मतलब देखिए यहाँ पे जो 3 काम खत्म हो रहा था वो 27 में खत्म हो रहा था, पर यहाँ पे जो 5 का काम मशीन ए में खत्म हो रहा है वो 27 में खत्म हो रहा है। अगर मशीन ए में 5 का काम खत्म नहीं होगा तो हम मशीन बी में 5 का काम शुरू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे आइडियल टाइम होगा और यहाँ पे 27 से शुरू करेंगे, 27 प्लस 5 32, ठीक है। अभी देखिए ये लास्ट है, लास्ट में है 1, तो यहाँ पे 1 27 से शुरू होगा, 27 प्लस 6 33, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी सेम केस है, 32 में 5 नंबर काम खत्म हो रहा था, पर जो टाइम 1 का जो टाइम मशीन ए में खत्म हो रहा था 33 में खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे 33 से काम शुरू होगा और 1 घंटा आइडियल टाइम होगा, मतलब उस टाइम मशीन में कोई काम नहीं होगा। और यहाँ पे अभी 33 प्लस 3 36, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मशीन ए के लिए आइडियल टाइम होगा 3। देखिए मशीन ए मतलब मशीन ए अपना काम खत्म कर चुका है, पर फिर भी यहाँ पे टोटल जो प्रोसेसिंग टाइम है जो टोटल इलिप्स टाइम है वो 36 है, तो उस हिसाब से मशीन ए का आइडियल टाइम 3 है, ठीक है, और इसका आइडियल टाइम है 4। तो देखिए हमने आपके लिए टेबल वो हमारा कंप्लीट हो गया, हम आपको और भी समझाते हैं। यहाँ पे पहले 2 नंबर काम शुरू होगा, 2 नंबर काम मशीन ए में शुरू हुआ, तो नया सिस्टम है, तो इस हिसाब से टाइमिंग का जो यूनिट है वो 0 से शुरू हो रहा है, इसका 2 यूनिट लग रहा है, 2 यूनिट, तो 0 से 2 यूनिट, आइडियल टाइम 0। मशीन ए में अगर 2 काम खत्म नहीं होगा तो मशीन में शुरू नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जो टाइमिंग का टाइमिंग है वो 2 यूनिट है, 2 यूनिट से शुरू हुआ और वो खत्म मशीन बी में चाहिए 7 यूनिट, तो 2 प्लस 7 9, और आइडियल टाइम 2, क्योंकि यहाँ पे मशीन ए का खत्म नहीं हुआ था इसीलिए मशीन 2 2 घंटा बैठा हुआ था, तो वो आइडियल टाइम है। तो देखिए इसके बाद 4 नंबर जॉब करेंगे हम, 4 नंबर जॉब यहाँ पे जो टाइम आउट का टाइमिंग था ए का वो टाइमिंग का टाइमिंग 4 के लिए, तो वो 2 प्लस 4 6 हो गया, आइडियल टाइम 0, और यहाँ पे 9 में खत्म हो रहा था, 9 में खत्म हुआ था तो 9 में यहाँ पे शुरू होगा, 9 में शुरू होगा तो 9 प्लस 9 18, तो 0 हो गया। यहाँ पे 6 देखिए थर्ड नेक्स्ट काम जो है वो 3 है, तो वो 3 शुरू किया हमने, तो यहाँ पे 6 जो 2 4 के लिए टाइम आउट का टाइमिंग था वो 6 था, तो 3 के लिए वो टाइम इन का टाइमिंग होगा, मतलब 6 में शुरू हो रहा है, 10 यूनिट टाइम चाहिए, तो 6 प्लस 10 16, और यहाँ पे 18 में खत्म हो रहा था तो 18 से हम शुरू करेंगे, 18 प्लस 8 26। इसका 5 देखिए जिसका टाइम यहाँ पे 3 का जो टाइम आउट टाइमिंग था वो यहाँ पे टाइम इन का टाइमिंग हुआ, टाइम इन टाइमिंग 16 प्लस 11 27 हुआ। यहाँ पे देखिए 26 में खत्म हो रहा था पर मशीन ए का जो नेक्स्ट काम है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो वो 1 घंटा बैठा रहेगा आइडियल टाइम में, और 27 मतलब मशीन ए का काम खत्म होने के बाद वो यहाँ पे शुरू करेगा, और इसका 5 यूनिट चाहिए, 32 यहाँ पे 27 जैसे यहाँ पे चल रहा था 27 में शुरू होगा, और लास्ट काम यहाँ पे 6, तो 33 में खत्म हो जाएगा, पर यहाँ पे 32 में खत्म हो रहा था पर मशीन ए का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो वो काम शुरू नहीं कर सकता, तो वो 33 में काम शुरू करेगा। तो उम्मीद करता हूँ टेबल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी हमें टेबल से क्या क्या कंक्लूजन मिला है वो देखेंगे। तो देखिए हमें टेबल से क्या कंक्लूजन है वो लिख दिया हमने, हमने यहाँ पे देख सकते हैं इट इज क्लियर दैट द टोटल इलिप्स टाइम इज 36 यूनिट टोटल इलिप्स टाइम है, और द आइडियल टाइम फॉर मशीन ए, आइडियल टाइम फॉर मशीन ए इज 3, एंड आइडियल टाइम फॉर मशीन बी इज 4, ठीक है। हमें यहाँ पे बस आइडियल टाइम निकालने के लिए बोला है, प्रोसेसिंग टाइम निकालने के लिए नहीं बोला है, पर हम आसानी से प्रोसेसिंग टाइम निकाल सकते हैं। देखिए प्रोसेसिंग टाइम मशीन ए के लिए तो 33 होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए मशीन ए का तो 33 समझ में आ रहा है, और मशीन बी का प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा, टोटल इलिप्स टाइम माइनस आइडियल टाइम, ठीक है, तो हम वो लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 36 माइनस 4, तो 32 यूनिट। देखिए हमें ये निकालने के लिए नहीं बोला है, आईएसएस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करना होता है, तो आपको ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है,
उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार जॉनसन एल्गोरिदम जो सीक्वेंसिंग का हमने आपको सिखाया था आप उसे एक बार और देख लीजिए, तो आपको थ्योरी अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको इसको करने में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ऑफकोर्स जवाब देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, और आप हमें बताइए कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना चाहिए, हम उस पर भी नए आने वाले टाइम में उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।